हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल रोटू सक्सेज। में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड के ऑनलाइन एडमिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली आपका फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो किस तरह से आप यहाँ पर राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड है आप उसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम कम्प्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका जारी कर दिया गया है। किस तरह से अपना एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा, तो अगर आप भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका एडमिट कार्ड है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको SSO ID ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो भी आपका लॉगिन ID और आपका पासवर्ड है आपको फिल कर लेना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करके आ जाते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पोर्टल सेलेक्ट करना होगा जिसका नाम होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। इस सर्च आइकन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको लिखना होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो मेरा यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट ऑप्शन पर आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो इसी तरह का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको सिंपली टैप करना होगा। और टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जितने भी फॉर्म फिलअप किया होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाएगा गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी आपका यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड या फिर आपका फॉरेस्टर का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसका डिटेल आप देख सकते हैं, कब आपने इसका फॉर्म फिलअप किया है उसकी भी डेट आप देख पाएंगे। और एक्शन में आपको मिल जाएगा गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसकी डिटेल आप देख पाएंगे। आपका जो भी नेम वगैरह है उसकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रिंट का ऑप्शन, आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं तो जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट आप देख पाएंगे, साथ ही आपका जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुदेश दिए गए हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह से आपकी जो भी डिटेल है वो आपको रीड आउट करनी है। तो जो भी आपकी डिटेल है आपको चेकआउट कर लेनी है और जो भी आपकी सामग्री है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपको लेकर जानी है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से यहां पर आप राजस्थान फॉरेस्ट कार्ड या फॉरेस्टर का जो एडमिट कार्ड है आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।